हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पे। इजी पे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी। आपका सीटी एग्ज़ाम सीटी आ गया है, उसका लिंक आ गया है कि आपका किस अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस सीटी में गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर जो नीचे की तो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 8/8/2022। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CENRC 0/119। डेट आपको लिखा हुआ 8/8/2022 है। ठीक है, तो इस दिन आया हुआ नोटिस क्या है, द लिंक फॉर एग्जाम सीटी स्लिप फॉर CBT 1 फेज 1। ठीक है, यानी कि फेज 1 लेवल 1 का आपका जो एग्ज़ाम सीटी स्लिप है वो आपका लिंक आ गया है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में गया है। उस वो कैंडिडेट का ही चेक होगा जिसका एग्ज़ाम फेज 1 में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर एग्ज़ाम स्लिप लिंक फॉर CBT फेज 1। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आपके ऊपर पता चल जाएगा कि, तो चलिए देखते हैं इस पर क्लिक करके क्या खुलता है। तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज ओपन हो रही है और उसमें देखते हैं कि सिटी स्लिप लिखने के लिए हम, हाँ यहाँ पे देखिए खुल गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CENRC 1/1/2019। यहाँ पे अगर जो यहाँ पे जाएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट लॉगिन, इसमें कैंडिडेट ऑफ RRC ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद एंड वेस्टर्न मुंबई कैन लॉग इन व्यू देयर सिटी इन स्लिप फॉर लेवल 1। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे और उसके बाद पासवर्ड में आप अपना डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप डेट देंगे, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। ये करने का यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका सिटी एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगा कि आपका किस शहर में आपका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना दूर है या कितना पास है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे कि मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे को क्या हो रहा है, दूर भेजा जा रहा है या पास ही सेंटर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग से शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि हम इससे पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम सिटी पता चल जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे और एग्ज़ाम के 4 दिन पहले से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो 17 से लेकर के 25 तक है, तो जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 17 तारीख होने वाला है तो आपको 11 तारीख से आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएगा आपके अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो जो जो जिस जोन से आप फॉर्म फिलअप किए हैं वो सारा जोन से आप अपने अपने जोन में क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एक स्पेशल वीडियो भी लेकर के आएंगे आपके लिए कि एग्ज़ाम में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कब जाना है, ये सारा कुछ गाइडेंस के तौर पर लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना चाह रहे थे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सर, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।